जाएंगी और ये कर्म निवासियां होंगी कि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, सिर्फ माफ ही नहीं होंगे बल्कि गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो और मैं दावते खिताब पेश करता हूं। मोहतरम किबला हजरत अलामा मुफ्ती मोहम्मद जावेद निवाज नूरी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब निशान से हमारे कुलूब अजान को मुनव्वर फरमाएं। तमाम अबाब अब का इस्तकबाल कीजिए नारे के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकी, नारे हैदरी, आंखें ठंडक दिल के चैन, वाह हसन वाह हुसैन, आंखें ठंडक दिल के चैन। कोई जबान खामोश ना रहे, हाथ को उठा के जवाब दीजिए, आंखें ठंडक दिल के चैन, वाह हसन वाह हुसैन, आंखें ठंडक दिल के चैन, वाह हुसैन। मोहतरम किबला मोहम्मद जावेद निवाज नूरी साहब, आप काफी देर से बैठे हैं और एक दो मिनट की दुआ है खड़े होकर कर लें ताकि यह बैठना आपका जो दुश्वारी है परेशानी है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम व सल्लु अलैहि। या रब्बी लम यज़ल अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जावेद साहब ने, अताउल हक साहब ने, मोहम्मद जावेद साहब ने, इनकी मुकम्मल टीम ने और मरकज़ी मस्जिद इस की पूरी इंतज़ामिया ने ये ख़ूबसूरत मजलिस सजाई। अल्लाह कबूल अता फरमा। जितने लोग बच्चे आए बड़े आए सारे के सारे ये ज़िक्र हुसैन के लिए आए, फ़िक्र हुसैन सुनने के लिए आए। अल्लाह जितने भी आए इनकी झोलियाँ भर दे, तमाम की हाजात पूरी अता फरमा दे, तमाम की ज़रूरियात पूरी अता फरमा दे। जितना मजमा है अल्लाह तमाम को हुसैनी बना दे, तमाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा गुलाम बना दे। बेनियाज़ अल्लाह, अभी जब मैं हाज़िर हुआ तो इंतज़ामिया के मोहम्मद जावेद साहब ने जो दुखड़े सुनाए और मसले की फ़िक्र और गैरत और मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह उनके सीने में एक भांबड़ चल बल रहे हैं, वो चाहते हैं कि हुजूर के तमाम उशाक के सीने में अल्लाह तो मदीना बना दे। अल्लाह तमाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा गुलाम बना दे, तमाम की हाजिरी कबूल अता फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन बि रहमतिका या अब तशरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल رأيت المنافقين يصدونك عنك صدودا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين حمد اور صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام حجاج کرام ناطخاں حضرات پروفیسر حضرات سامعین اور سامعات اللہ کریم کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق عظیم سے آج نواس رسول حضرت امام حسین کی بارگاہ میں مجھے اور آپ کو نوکری کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. لاکھوں لوگ ہیں, لاکھوں سکول آف تھاٹ ہیں اور لاکھوں مصروفیات ہیں. سب سے پہلے مسجد انتظامیہ اور امام صاحب علامہ جاوید صاحب اور دیگر دوستو, آپ کو مبارکباد ہو کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور میں اپنی غیبی مدد کے ذریعے سے تمہیں اپنے گھر میں بلا کر ذکر مصطفیٰ اور ذکر حسین سنایا. یہ خوش قسمتی ہے, یہ ہمارا مقدر ہے, اور یہ اللہ کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خاص کے علاوہ پوسیبل نہیں, ممکن نہیں ہے. یہ وہاں سے کرم ہے, نہیں تو دنیا اور بھی مصروف ہے, ہم بھی کہیں نہ کہیں مصروف ہوتے. آج کی اس نشست میں علامہ محمد جاوید صاحب نے بتوسل حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صاحب کے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور ایک موضوع بھی دیا. لیکن ابھی چند لمحات پہلے انتظامیہ کے محمد جاوید صاحب سے رقت انگیز ایک گفتگو اور فکر ملی. اب جتنی میں نے آیات بینات پڑھی ہیں, میرے پلیٹ فارم کے علماء لوگ اور اہل علم ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج موضوع نہیں, مختصر وقت میں موضوعات ہیں. جب میں نے تلاوت کر رہا تھا, میرے دائیں بائیں اہل علم ان آیات سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ آج ہم کیا بیان کرنے والے ہیں, آج ہماری گفتگو کیا ہونے والی ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت میری زبان سے کلمات حق جاری عطا فرمائے اور ایسی گفتگو جس سے امت مسلمہ کے قلوب و اذہان میں تفریق پیدا ہو, اللہ مجھے اس سے محفوظ عطا فرمائے. محترم سامعین ناظرین, میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک پہلی جو آیت پڑھی اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اور علامہ صاحب جانتے ہیں, قاری صاحب بھی, رات میں سرگودا تھا, آج رات پھر سرگودا کر لاہور, پھر اس کے بعد رحیم یار خان چلے جانا ہے, پھر مظفر گڑھ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں نلین پاک کا صدقہ ہے, انہوں نے یہ نوکری ذمہ لگا رکھی ہے. اللہ اپنے محبوب کے توسل سے صدقے سے ہماری یہ نوکری قبول عطا فرمائے. ایسا نہیں کہ آپ میرے ساتھ نہ چلتے ہوں گے اور میں ایک گھنٹہ آپ پہ مسلط رہوں گا, ایسا نہیں ہوگا. آپ بیس منٹ چلے 20 منٹ چلوں گا, 15 منٹ چلے 15 منٹ, آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ, کیونکہ
मैंने थकावट जो थी वो दूर कर दी, खड़े किया है ना थकावट की, अब वो बहाना नहीं रहा। जितना वक्त आप मेरे साथ चलते जाएंगे हम कुरान हदीस उतनी देर तक पढ़ते जाएंगे, मेरे साउंड के साथ आपको साउंड मिलेगा। तवज्जो कीजिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया और ये प्रिंसिपल रूल दे दिया, जो मेरी ड्यूटी मिली उस ड्यूटी के मुताबिक अर्ज करने जा रहा हूं। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया कि वइजा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, महबूब जब दावत दी जाए इल्लाह की, अजान की दावत हो दौड़े चले आए, कुरान की दावत हो दौड़े चले आए, तबलीग की दावत हो दौड़े चले आए, रोजे की दावत हो दौड़े चले आए, तबलीग बाज नसीहत तहरीर तकरीर हर हर दावत को अगर कोई शख्स या कोई तबका तो कबूल करे, मकाम मुस्तफा की बात आए। आओ कुरान सुनाना चाहता हूं, मेरे साथ रहिए, अभी पता चल जाता है आप कितना वक्त मेरे साथ चलने वाले हैं। कुरान फरमाता है वइजा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल, दावतें हैं दो, एक दावत है दीन की, एक दावत है नमाज की, एक दावत है कुरान की, एक दावत है हदीस की। इस दावत पे तो कोई आए, लेकिन रसूलुल्लाह के मकाम की बात की जाए, तकलीफ उठ जाए तो कुरान कुरान होकर रब रब होकर फरमाना चाहता है कि महबूब कयामत तक ऐसा नमाजी, ऐसा कुरान पढ़ने वाला, ऐसा तकरीर करने वाला, ये सब कुछ तो हो सकता है, कामिल मोमिन नहीं, फिर इसको क्या कहें? कुरान कहता है रईतल मुनाफिकीना, ये मुनाफिक मर्दूद है, इसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक मौजूद नहीं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बात समझ ही नहीं आई? दावतें दो हैं, कुरान की दावत कबूल है, तबलीग की दावत कबूल, मिसबाक की दावत कबूल, दस्तार की दावत कबूल, हर हर दावत को तो कबूल करे, मकाम मुस्तफा शान मुस्तफा तहफ्फुज़ नमूस रिसालत की बात आए, इसकी तबीयत बिगड़ जाए, ये सब कुछ हो सकता है लोगों, रब्बे काबा की कसम कामिल मोमिन नहीं हो सकता। ये टाइटल कुरान ने दिया है, ये टाइटल कुरान ने दिया है। ईमान क्या है? ईमान किसको कहते हैं? इससे पहले एक उकदा और हल कर लूं, लेकिन आपने इसी मोहब्बत के साथ नहीं, जब तक पूरी मोहब्बत से बैठे होंगे मैं गुफ्तगू करता रहूंगा। जहां एक बंदे की मोहब्बत ढीली होगी वहीं से बारिश रुक गई है, मैं भी इजाजत मांगते हुए दरबार शरीफ पे हाजिरी दूंगा और चला जाऊंगा, फिर जिंदगी ने मौका दिया तो मुलाकात होगी, नहीं तो इंशाल्लाह होगी। अच्छा, दरख्वास्त यह है किबला, कुरान की एक मैं आयत पढ़ने जा रहा हूं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु। ठीक, मैं पढ़ा सारा लाहौर में हूं, पिछले साल से मरकज की तरफ से मेरी ड्यूटी लग गई लियाकतपुर में, और उस जगह पे गया हूं जहां वो स्कूल ऑफ थॉट था जो सलातो सलाम दरूद का कायल नहीं था, वो मरकज मिल गया मुझे। वहां ड्यूटी लगी तो सबसे पहले उन्होंने पढ़ा तो हमने सलातो सलाम शुरू कर दिया, इसकी दलील कहां मौजूद है? इसकी दलील कहां मौजूद है? भाई हम किसी को तकलीफ देने नहीं आए, लेकिन अपना मसलक तो कुरान से बयान कर सकते हैं ना, अपने घर में बैठकर अपना मसलक और जो हमारा करैक्टर है, जो हमारा किरदार है, जिसको हम इबादत समझते हैं, उसको बयान तो कर सकते हैं। सुनो, कुरान फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अब तर्जमा सुने, तर्जमा सुने, हम उर्दू वाला तर्जमा करते हैं, लोगों को समझ नहीं आती। बेशक अल्लाह, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, व मलाइकतहु उसके तमाम मलाइका, युसल्लूना अलन नबी, नबी पर सलात पढ़ते हैं। बात समझ आई है? हम दरूद कर देते हैं, हमारा सादा बंदा उधर ही बिगड़ जाता है, परेशानी बन जाती है। और भाई कोई कहे सलात किसने कहा, मैंने कहा कुरान ने कहा। दोबारा सुनो, लज्जत उठाओ, कुरान ने कहा।
कुरान फरमाता है इन्नल्लाह बेशक अल्लाह व मलाइकातहू उसके तमाम फरिश्ते युसल्लूना क्या करते हैं सलात पढ़ते हैं बोलो तमाम फरिश्ते भी सलात पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु ऐ ईमान वालो सल्लू तुम भी सलात पढ़ो सल्लू तुम भी वसल्लिमु तस्लीमा राज वाज के दिल नाल सलाम भी पढ़ो बेनियाज़ अल्लाह ये सलात व सलाम जो पढ़ना है क्यों पढ़ें इसके फवायद क्या मुरतब होते हैं दुनियादार बंदे हैं जब तक फायदा नजर ना आए तो हम तो कोई काम गुम नहीं करते मैंने कहा आओ कुरान को देखते हैं कुरान का ये जो लफ्ज सलात है इसका हम माना देखते हैं इसका माना है यूं तो अरेबिक लैंग्वेज की बुक्स में बहुत सारे मीनिंग्स मौजूद हैं सिर्फ कुरान की एक ऐत से एक माना लेते हैं सूरतुल लहब को उठाया हमने तिलावत की सयसला नारन जाता लहब इसका माना यह है कि अन करीब हम अबू लहब को पकड़ के जहन्नुम में धकेल देंगे यहाँ सलात का माना हुआ करीब होना पूरी जो तवज्जो करेगा उसको समझ आएगी ठीक है सुभान अल्लाह ना कहें जब तवज्जो कर लें जब बारी होगी सुभान अल्लाह मैं यूं कर दूंगा आप कह देना अब बात को सुने कुरान फरमाता है सयसला नारन जाता लहब अन करीब हम अबू लहब को जहन्नुम में डाल देंगे तो सलात ने यहां कुरान में माना दिया करीब करना तवज्जो कीजिए सलात का माना क्या है करीब करना तो रब फरमाना क्या चाहता है रब फरमाना चाहता है जब जब न था जब कुछ भी नहीं था तब से लेकर मैं रब रब होकर अपने महबूब को करीब कर रहा हूं करीब कर रहा हूं तब से करीब कर रहा हूं आगे सुनो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा ईमान वालों तुम भी कसरत से दरूद पढ़ो सलाम पढ़ो मेरे महबूब के करीब हो जाओगे अच्छा इस पर एक हदीस सिर्फ एक हदीस पेश करता हूं फिर इस अकीदे को यहां छोड़कर आगे जाना चाहता हूं करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कयामत का दिन होगा सारे लोग परेशान होंगे हर कोई खड़ा होगा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम ये स्पीड के साथ इसलिए बता रहा हूँ यह हदीस आपने सुनी हुई है बयान की हुई है चलते चलते हर किसी के पास रसूलुल्लाह की बारगाह में खिदमत में अर्ज करेंगे या रसूलुल्लाह हमने पूरी दुनिया छानबीन ली कोई हमारी सिफारिश नहीं कर रहा आप करम करें आप महबूब खुदा हैं आप फजल फरमाएं करम करें हमारा कुछ करें हुजूर फरमाएंगे आना लहा हुण तक कितना रहवे आओ तुम्हारे वास्ते दुआ करण वास्ते मैं बैठा हुजूर जब ये फरमाएंगे यहां पर हदीस है अब तवज्जो कीजिए उस वक्त आप जहन में रखें उस वक्त पूरी कायनात की इंसानियत कोई किधर कोई किधर कोई किधर सूरज कहां पर और हालात कैसे सब कुछ होगा ईमानदारी से बता जो रसूलुल्लाह की छतरी के नीचे होगा उसको कुछ होगा अल्लाह बेनियाज अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले उसे छतरी मुस्तफा अता फरमाना कुर्बे मुस्तफा अता फरमाना तो तवज्जो कर हदीस पढ़ने जा रहा हूं सासिता में यह हदीस है कि नाउलन्नासी बी योमल कियामा अक्सरहुम अलैया सलातन इसका मफहूम समझ करीमा का फरमाते हैं जो बंदा तवज्जो कर करीमा का फरमाते हैं सही हदीस जो बंदा दुनिया में रहकर जितना ज्यादा कसरत से दुरूद मुहम्मद पे पढ़ेगा कल कयामत के दिन रब्बे करीम की तौफीक अजीम से कल कयामत के दिन वो बंदा उतना ज्यादा मुहम्मद के करीम होगा तो भाई इसलिए तो हम दुरूद पढ़ते हैं इसलिए तो हम दुरूद पढ़ते हैं और बज गज के पढ़ते हैं भाई बात समझ आ रही नहीं आ रही तो इसका फायदा क्या होगा कुर्बे मुस्तफा नसीब होगा कुर्बे मुस्तफा लोगों नसीब होगा ईमानदारी से बताओ जिसको कब्र में दीदार मुस्तफा नसीब हो बताओ ये घाटे का सौदा है जिसको कयामत के दिन हुजूर का कुर्ब नसीब हो जाए बताओ ये घाटे का सौदा है मोहम्मद जवेद साहब और अलामा जवेद साहब ये तुम्हें रूहानी महफिल क्यों दे रहे हैं कि हर हर सीने में मोहब्बत मुस्तफा आ जाए ये सारे हुजूर के गुलाम हुजूर से मोहब्बत करने वाले बन जाए जब मोहब्बत होगी तो फिर कसरत से दुरूद सलाम के गजरे भी होंगे और इसलिए होंगे ताकि कब्र भी अच्छी हो हशर भी अच्छा हो ये सारे मामला हमारे अच्छे हो जाएं अगली बात पे आ जाएं ईमान क्या है तवज्जो करें
ईमान से पहले आप इंसान को समझें, इंसान क्या है। जनाबे वाला, इंसान को दो हिस्सों में इसकी क्लासिफिकेशन करता हूं। बायोलॉजिकल देखा जाए तो बहुत ज्यादा बनती हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए। एक इंसान का जिस्म है, एक इसमें रूह है। जिस्म बाजू, सर, पांव, टांगे, इनको जिस्म कहते हैं। ऐसे है, एक इसमें रूह है। अब रूह के बगैर जिस्म डेड बॉडी हुआ करती है। जिस्म से रूह निकाल लो, जिस्म किसी खाते का बचता नहीं, जिस्म डेड बॉडी है। अब जिस्म से जब रूह निकल गई तो जिस्म किसी खाते का नहीं रहा। तो जब इसको आप समझ गए कि जिस्म और रूह का इतना ताल्लुक है, अब ईमान की तरफ आओ। इंसान को समझ लिया, ईमान की तरफ आओ। ईमान के भी दो हिस्से हैं, एक ईमान का जिस्म है, सुनना, एक ईमान का जिस्म है। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज, जकात, सदका, तो खैरात, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये जिस्म है। तो आप कहेंगे फिर रूह क्या हुई? तो रूह पूछना चाहते हो तो सीने के जोर से ईमान वाला जवाब दीजिएगा। सुनो, अगर रूह पूछना चाहते हो तो यकीन जानिए, कुरान से अभी साबित करता हूं, रूह पूछना चाहते हो, ईमान का जिस्म नमाज, रोजा, हज, जकात है। रूह पूछना चाहते हो तो इसमें रूह अदाबे मुस्तफा है, इश्क़े मुस्तफा है, ताल्लुक़े मुस्तफा है, मोहब्बत मुस्तफा है। अलामा फरमा के फरमाते हैं, बा मुस्तफा बेरसां खेशरा के दी हमउस गरबाउन रसीदी तमाम बोला हबीस। अलामा फरमाते हैं, जिसको मोहब्बत मुस्तफा मिल गई, गुलामी मुस्तफा मिल गई, कामिल दीन ईमान पा गया, ये ना मिली फिर बोला भी है, फिर कुछ नहीं। आप कह सकते हैं ये फलसफा है, कुरान से भी थोड़ा सा टच हो जाए। अपने मौजू की तरफ मैं आने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा हूं, आप पूरी तवज्जो से बैठिएगा। कुरान ने ये आयत मैंने अभी पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशुरून। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डायरेक्ट खिताब सिद्दीक से किया, डायरेक्ट खिताब अली से किया, डायरेक्ट खिताब सहाबा से किया। कौन सहाबा? तन, मन, धन, हर शय फिदा करने वाले। मेरी और आपकी नमाजें उनके बराबर कभी हो सकती? हमारा कुरान, सदका तो खैरात, जिहाद, कुछ भी नहीं हो सकता। सहाबा से खिताब है कि प्यारे सहाबा सुनो, अदना सी बेअदबी मुस्तफा हो गई, तुम्हारी तकरीरें, तुम्हारी तहरीरें, तुम्हारी पूरी जिंदगी की दीनदारी उठाकर हम जहन्नम में फेंक देंगे, तुम्हें शऊर तक न देंगे। अगर कामयाबी चाहिए तो फिर दरे मुस्तफा पे सर भी, दिल भी, जुबान भी झुका कर गया। इसी में कामयाबी है, इसी में सब कुछ है। क्या ये दीन सहाबा ने भी समझा? तो सिर्फ दो मिसालें देने के बाद मैं अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूं। सैयदना सिद्दीक अकबर, इस हदीस की सनद मनतन का मैं जिम्मेदार हूं। आपने बारह मरतबा सुनी, अब तवज्जो से सुनिए। सैयदना सिद्दीक अकबर के वालिद गिरामी अबू कुहाफा ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, कोई जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शयान शान ना बोला, कोई जुमला निकल गया। अब जब जुमला निकला, अब तवज्जो करना, आज के दौर में अहले सुन्नत जो हैं, पढ़े लिखे अहले सुन्नत, जिसने यूनिवर्सिटी को हाथ लगा लिया, कोई बीएस कर लिया, कोई एमएस कर लिया, कोई मास्टर कर बैठा, कोई एमफिल कर बैठा, कोई पीएचडी कर बैठा, जाती ताल्लुकात बन गए, कारोबार इकट्ठा हो गया, ये फिर मम्मी डैडी अहले सुन्नत बन जाते हैं, ठीक है जी। जी कारोबार ने जी उठना बैठना होता जी, फिर महल्लेदार भी हो गए जी, तो शिद्दत जड़ी है ना, ये तो मौलवियों का काम है, साडा तो कोई कम कुम नहीं जी। देखो ना जी, मतलब मुसलमान नमाज ही पढ़नी, इतने पढ़ लो, उतो पढ़ लो, कोई रोला नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये सामने आ जाता है। आओ हम सिद्दीक से पूछते हैं दीन क्या है। तवज्जो कर ईमान वाले, मैं देखता हूं कौन मेरे साथ है। सिद्दीक के बाब ने जब रसूलुल्लाह की खिदमत में नाजेबा अल्फाज कहे, रब्बे काबा की कसम, हदीस में मौजूद है, सिद्दीक ने यूं पूरे जोर से मुंह पे तमाचा मारा कि सिद्दीक का बाप जमीन पर जा गिरा। किसी ने जाकर कहा, या रसूलुल्लाह, सिद्दीक को देखिए तो सही, आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर बाप के मुंह पर तमाचा, अरे देख तो सही, तुझे तो ऐरा गैरा ना, तू खेरा प्यारा है, सिद्दीक तेरी शान पर
मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तूने बाप के मुंह पर मारा। जब ये बात हुई हुजूर की बार क्या में है, हुजूर पूछने लगे सिद्दीक क्या ये हुआ? आपने फरमा जी जी ये हुआ, मेरे पास तो तलवार न थी न तो सर तन से जुदा फरमाते मैं तो गर्दन उड़ा देता। तो यही बात हो रही थी, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। रब ने कुरान में फरमाया ला ताजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। महबूब ऐसा बंदा जो मेरा और तेरा कलमा पढ़ ले तो कयामत तक के लिए एक तरफ दुनिया हो, दुनिया के लालच हो, रिश्तेदारियां हो, बाप हो, बेटा हो, रिश्तेदार हो, कोई हो, दूसरी तरफ से रहे खुदा मोहब्बत मुस्तफा हो, तो ये गुलाम हमारा तुम्हारा हमारी तरफ आएगा, गैर की तरफ नहीं जाएगा। ये सिद्दीक ने ईमान बताया भाई, बात समझ आ रही है? ये सिद्दीक की शान है। आज कोई बंदा अपने मसलक पे पक्का हो ना, समझते हैं ये मौलवी है। अगर हम ऐसे मौलवी हैं तो हमें सिद्दीक की सुन्नत कुर्बान अमल करना में बेहतर है, हम सिद्दीक की सुन्नत को अपना रहे हैं। आओ उमरे फारूक की एक सुन्नत की तरफ न जाएं। याद रखें इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को गालियां दें, इसका ये मतलब नहीं जाते हुए कि पकड़ के हम लड़ना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि नमूसे रिसालत पर टके का कंप्रोमाइज हम नहीं करते, हर चीज हम दे सकते हैं, हर चीज पेश कर सकते हैं, सारा कुछ कुर्बान हो सकता है, नमूसे रिसालत पर एक रत्ती बराबर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं। एक दफा मैं बैठा था अपनी लाइब्रेरी में अलामा साहब, और एक वफद आया उलमा का, स्कूल ऑफ थॉट मुख्तलिफ था, आए बैठे चाय के लिए, मैंने ऑर्डर दिया तो मुझे कहते हजरत आपके पास फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 26 पड़ी है। मैंने कहा जी हाँ पड़ी है। कहते उसकी वो दिखाइए। मैंने कहा उसमें क्या पड़ा हुआ है? उसने कहा उसने आला हजरत ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं। तो हाथ दिखाइए। मैंने यहां से पकड़ा और जाकर बहर फेंक दिया। मैं खबरदार दोबारा नजर ना आना, खबीस के बच्चे मुझ में लाखों ऐब हैं, मेरे बाप में लाखों ऐब हैं। ओए गधे इधर बकने के लिए भी मुस्तफा तू सकल बोला है, तेरे आने का मकसद यही था तराजू लेकर आए शान मुस्तफा को तोले। याद रखना लोगों, जिस स्कूल ऑफ थॉट जिस मस्जिद जिस मेहराब में शान मुस्तफा को तोला जाए, मर जाना मिट जाना, ऐसे खबीस के साथ कभी ताल्लुकात न रखना। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने जब शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा तो आपने बड़ी आपने हद कर दी। आप फरमाते हैं ना तुम खुदा हो, खुदा भी नहीं हो, तौहीद क्लियर कर दी। आप फरमाते हैं ना तुम खुदा हो ना खुदा से जुदा हो, अल्लाह ही को मालूम कि तुम क्या हो। यूं शान मुस्तफा आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया ना तुम खुदा हो ना खुदा से जुदा हो, अल्लाह ही को मालूम कि आप क्या हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत नाल है, पीछे नफरत नाल बोलो, उची बोलो सुभान जनाबे मन। मैं अर्ज कर रहा था हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप तशरीफ फरमा हैं, ये वाली रिवायत एक दर्जन से ज्यादा मरतबा हर हर बंदे ने आप में से सुनी। मैं दोबारा इसलिए सुना रहा हूं, मेरी ड्यूटी लगाई गई है। वो कहते हैं हो सकता है कि उतर जाए मेरी बात किसी के कल्ब में, ठीक है तवज्जो से सुना। सैयदना सिद्दीक सैयदना उमर फारूक मौजूद हैं, दो बंदे आ गए, आकर कहने लगे हुजूर हमारी ज़मीन का मसला था, एक मुनाफिक था एक काफिर था, तो काफिर ने कहा कि यही मसला हमने रसूलुल्लाह की बारगाह में जाकर पेश किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में ज़मीन की है। तो मुनाफिक जो कलमा भी पढ़ता है ये उनके फतवे को उनके फैसले को नहीं मानता, आप मेहरबानी फरमाइए इस पर नज़र सानी फरमाइए। अब सुन तवज्जो कर उमर फारूक ने क्या क्या कहा, रुको मैं आता हूँ। अंदर गए और अंदर से जा कर के तलवार लेकर के आए और आकर गर्दन उड़ा दी, साथ में ये भी कहा जिसको मेरे मोहम्मद करीम आका का फैसला कबूल नहीं उसके लिए मेरी तलवार फैसला करती है। अच्छा एक मैं सवाल कायम करता हूं,
रिसर्च क्वेश्चन है। अगले साल तक या अगले साल तक या कम आमद तक जब मौका मिले इसका जवाब तलाश करके मुझे सेंड कीजिएगा और मुझे तशफी होगी। और जिसने इधर सवाल समझा और अब तक जो बैठा हुआ है मुझे यकीन है कि अब वो खामोश नहीं बैठेगा। मैं आपसे पूछता हूं, अभी हो अजान होगी इंशाल्लाह, मुअज्जिन जब अजान दे कहे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान क्या करते हैं? अच्छा, मुसलमान जब चूमते हैं, एक दोस्त बैठा हुआ कहता है बताओ कहां लिखा है, होता है। तो मैं एक रिसर्च क्वेश्चन पेश कर रहा हूं, आप ऐसे करो तुम और तुम्हारी जुर्रियत और कयामत तक सारे लोग मुझे ये बताओ हमारे चूमने पर तो पूछते हो कहां लिखा है, बता यार उमर ने तलवार के साथ गर्दन उड़ा दी, कभी तो पूछ के दिखा उमर ये कहां लिखा है। अभी हाथ नीचे, अब दोबारा लगाओ, सारे हाथ उठाकर ये नारा लगाओ, अब बोलो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बाबा खादिम हुसैन रिजवी इस दुनिया से चले गए ना, लेकिन चले नहीं गए, मौजूद हैं। इस नारे में हम भी चले गए थे, अल्लाह करेगा मौजूद रहेंगे। अब लगाओ नारा, अब लगाओ उन्हें जाना, उन्हें जाना। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कह रहा हूं, हम दिल से कहते हैं। आप हजार साल की तारीख उठा करके देखो, जब कभी भी शातिम रसूल ने, हुजूर के कभी किसी गुस्ताख ने जब कभी सर उठाया है तो उसकी गर्दन काटने वाला अहले सुन्नत था। सिप्पा साहब नजर आएंगे, यूं वो फला नजर आएंगे, यूं दहशतगर्द फला 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 गन्ने, पता नहीं क्या कुछ होता है। हमारे पास कुछ नहीं होते, लंबी नमाजें भी नहीं, लंबे चक्कर तकर नहीं, यहां तक दाढ़ी भी नहीं, तस्बीहात भी नहीं है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों, जब कभी कोई कुत्ता मेरे करीम आका पे भौंका है, मोहम्मद अरबी के गुलामों ने बताया दोस्तों बात सुनो, अकीदे की बात है, जिक्र हुसैन सुनाऊंगा, घड़ी मेरे बिल्कुल सामने लगी हुई है, चाहे एक हदीस भी सुना दूं, बात का मजा आ रहा है भाई? अगर आ रहा है तो बोले सुभान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लेके जा रहे हैं मक्के से पहले एक मकाम है जिसको मकाम हुदैबिया कहते हैं, हुजूर वहां पर जाकर के ठहरे। ये वो जगह है लोगों जिस जगह पर पानी खत्म हो गया, करीम अकरम के पास आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह पानी नहीं। सहाबी को पता था रसूलुल्लाह मुश्किल कुशा है, पानी देते हैं। आपको समझ नहीं आई, सहाबी को पता था रसूलुल्लाह अता फरमाते हैं और 1500 सहाबा का मजमा आया, हुजूर पानी नहीं पानी अता फरमाए, फरमाए कुछ है, हाँ है, लाओ। जब लाया गया करीम आका ने दस्ते मुस्तफा दस्ते यदुल्ला जब रखे, अल्लाह ने चश्मे जारी कर दिए। अब ये चश्मे जब जारी हुए वहां से सारे लोगों ने शराब होकर जब पानी पिया इस मकाम पर, वहां से मक्के से एक शख्स आता है, मुस्लिम में ये हदीस है, इबारत पढ़ने में टाइम वक्त जाया नहीं करना चाहता, आया आकर एक एक को देखा, जिसका नाम है नामी इसमें ग्रामी हदर उर्वा बिन मसूद, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, सब कुछ देखने के बाद मक्के वालों के पास गया और जाकर के कहा क्या, कहने लगा मक्के वालों जो कुछ दिल में है निकाल दो। कहा क्या हुआ? हमारा बंदा था, हमारी तईद करता, अरे यार उनका हो गया। कहा नहीं नहीं देखो तो सही, उसने कसम खाई, हदीस में अल्फाज हैं, कहने लगा अल्लाह की इज्जत की कसम मैं बड़े बड़े कैसर और कसर में गया हूं, पूरी दुनिया घूम के आया हूं, जैसे मोहम्मद अरबी के गुलाम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं पूरी कायनात में ऐसे अदब मैं को नहीं देखा। कहा क्या देखा है? अगर यार
जब भी देखता हूँ हुजूर वुजू फरमाते हैं, सहाबा वुजू वाला पानी जमीन पर नहीं जाने देते हैं। पहला सवाल मैंने किया था, हमारे चूमने पर दलील मांगते हो, उमर फरूक के कपल करने पर दलील क्यों नहीं मांगते, याद है सवाल जी? अब दूसरा कर लूं, दूसरा सवाल कर लूं, इजाजत है? अपनों से अपने अपनों की बातें तो हो सकती हैं मोहब्बत वाली। दूसरा मसूमाना सवाल यह है कि जो सहाबा हुजूर के वुजू वाले पानी को जमीन पर नहीं जाने दे रहे, उठा उठा के मसलमल के सजल के सीने पे लगा रहे हैं, अरे जुर्रत तो कर, पूछ करके देख सिद्दीक कहां लिखा है कि ये पानी जमीन पर नहीं जाने देना। आए हाय हाय, कोई तो पूछे, कोई तो कहे अली कहां लिखा है जमीन पर पानी नहीं जाने देना, सीने पर मलना है। अरे यार ये तो दूर की बात, जिनको पानी मुयस्सर ना हुआ उन्होंने हाथों को हाथ लगाकर सीने पर लगाया। अरे यारो आखिरी बात करना चाहता हूँ, इश्क़े मुस्तफा पर बात करना चाहता हूँ। इसी मकाम पर जब हजरत उस्मान गनी जाते हैं और मक्के गए, मक्के वालों ने कहा ऐ उस्मान हम तेरी इज्जत करते हैं, आ तू तू तवाफ़े काबा कर ले। उस्मान ने जो जवाब दिया मैं देखता हूँ कौन आशिक सुनता है। उस्मान ने कहा बगैर मुस्तफा के काबा कबूल नहीं। आए 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 आए, जो जमे पले काबा में हो लोग, जो तरस गए थे काबा को देखने के लिए लोगों, जो 400 किलोमीटर चल के गए हो और जो काबे की ताज़ीम काबे को काबा समझने से पहले क्या करते हो, जो हाजी जाकर आते हैं वापस नहीं आते, सीना उधर छोड़ आते हैं मक्के में, उन गलियों में जहन घूमता रहता है। आज उस उस्मान ने कहा बिन मुस्तफा काबा नहीं चाहिए, हुजूर के अलावा काबे की जरूरत नहीं है। लोगों ऐसा अकीदा रखो, ठोक वजा के अकीदा हो, हुजूर नाल मोहब्बत है अन्य का मोहब्बत, बस यही दीन है। इस पर एक दलील पेश करने के बाद हम फिर जिक्र हुसैन की तरफ रमा दमा होते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह उच्ची सुनी चोचा, कुछ लोग थोड़े से परेशान बैठे हैं, इतना ऊंची कर दो वो भी मुस्कुरा पड़े और हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हुसामी शरीफ जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये बाबुल कियास के अंदर अदमी और जवाजी शरायत पढ़ी। अदमी जवाजी शरायत के अंदर एक रिवायत मौजूद है, रिवायत क्या है तवज्जो से सुनना, मेरी पूरी गुफ्तगू का इसमें निचोड़ होगा। जिसने ये हदीस सुन ली आज की मेरी पूरी गुफ्तगू उसने ने सुन भी ली, समझ भी ली और सब कुछ उसने निचोड़ ले लिया। तवज्जो से सुनिएगा इस हदीस को, क्या है हजरत खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपको शहादतैन कहा गया। सुनिए शरीयत में जब कभी शहादत की जरूरत हो, दो बंदों की शहादत की जरूरत होती है, एक शख्स ऐसा है जिसको बाअख्तियार नबी ने, आया है मुख्तार नबी ने कहा हर किसी के लिए दो शहादतें दो गवाहियां, लेकिन खुज़ैमा जब इनकी बारी है तो एक की दो के बराबर शहादत मानो। वजह क्या है, वजह वजह सुने और लज्जत लें, वजह सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घोड़े की ट्रांजैक्शन कर ली, लेन देन हो गया घोड़े का, हुजूर ने फरमाया आप आ जाओ मैं आपको जितनी इसकी रकम बनती है वो उठा करके तुम्हें दे देता हूँ, आप मेरे साथ आ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए और बंदे तब भी ऐसे मौजूद थे, आज भी वैसे मौजूद हैं। पीछे से बंदा एक आ गया, उसने काना फूसी शुरू कर दी, कितने का बेचा, इतने बेचा, ओहो मुझसे ज्यादा ले लो। वो उसका दिल भी बिखर गया, उसने हाँ ठीक है मुझे आप ज्यादा दे दो। हुजूर तशरीफ ले, हुजूर ने फरमाया आपकी मेरे साथ बैह हो चुकी है, उसे पता था बैह तो हो चुकी है। उसने कहा आपके पास गवाह है? अब हुजूर के पास गवाह तो कोई मौजूद नहीं था। हुजूर ने थोड़ा सा तवक्कुफ किया तो हजरत खुज़ैमा तशरीफ लाए और कहने लगे यहां बंदे क्यों जमा है? कहा यह मसला हो गया और हुजूर के लिए गवाह का मसला बन रहा है। खुज़ैमा भागते हुए है, सांस बुला हुआ है, उसने कहा मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं। ट्रांजैक्शन हो गई। हुजूर ने बाद में पूछा आलिमान तवज्जो से सुन, हुजूर ने पूछा खुज़ैमा तू तो नहीं था? उसने जो जवाब दिया तवज्जो से सुन, उसने कहा हुजूर घोड़ा तो शय ही कोई नहीं, आपने रब का कहा हमने मान लिया।
कहा हुजूर ने हमने कौन सा देख रखा है रब को, हमने तो नहीं देखा। आपने पुल सिरात का कहा, हमने मान लिया। आपने कुरान को कुरान कहा, हमने मान लिया। आपने हदीस को हदीस कहा, हमने मान लिया। आका आप जो जो फरमाते गए हम वो मानते। दोस्तों अकीदा वही है, अकीदा वही है। हुजूर ने जो फरमा दिया वही इस्लाम है। हुजूर से मोहब्बत वाला अकीदा है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। अकीदा खूबसूरत वही है जिसमें सहाबा की इज्जत हो। हुजूर के सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर मुआविया समेत तमाम की जहां इज्जत हो वही गुड है। जहां अली की शान हो, जहां हसनैन करीमैन की रिस्पेक्ट हो, जहां यजीद की बू आए उसकी तरफ न जाना, जहां मोहब्बत मुस्तफा की बातें हों वही अकीदा है बस। अब मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं जिक्र हुसैन की तरफ। एक हदीस है जिस कब्रिस्तान से हाफिज कुरान गुजर जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत को हया आती है, रब 40 दिन तक अजाब नहीं भेजता। अगर यह हदीस मैंने पढ़ी होती कि जिस कब्रिस्तान से दोदी गुजर जाए, वेल्डर गुजर जाए, ते मिस्त्री गुजर जाए, मजदूर प्रॉपर्टी डीलर, तो सुभान अल्लाह आसमान नाल लगनी सी, हाफिज कुरान की बारी तो सुभान अल्लाह ढिली हो गई। ठीक है जी। अच्छा दोबारा पढ़ता हूँ, मोहब्बत से बोलिएगा ताकि मैं आगे तकरीर कर सकूँ। जिस कब्रिस्तान से हाफिज कुरान गुजर जाए अल्लाह की शान यह है, अल्लाह कुरान के तवस्सुल से, कुरान की वजह से, उसकी रहमत की वजह से अल्लाह को हया आती है, अल्लाह 40 दिन तक उस कब्रिस्तान में अजाब नहीं फरमाता। चलो हाफिज कुरान तुझे अल्लाह ने बड़ी शान दे दी भाई, ये तेरा मकाम है यार, तूने सीने में 30 पारे रखे, रात दिन मेहनत की, क्या अल्लाह कुछ और भी अता किया है, मेरे साथ रहिएगा। अब अपने मौजू को शॉर्टकट बयान करने लगा हूँ क्योंकि बहुत सारा वक्त हमने अकीदे पर गुफ्तगू कर दी। हाफिज कुरान कुछ और भी है, हाँ हाँ है, उसके वालिदैन को कयामत के दिन अल्लाह ऊंचे टीलों पर बिठा करके सर के ताज में ऐसे मोती जड़ेगा कि जैसे सूरज की रोशनी होती है। अल्लाह इसको क्यों, इसलिए जिस दौर में लोग सीए कर रहे थे, जिस दौर में लोग सीएस कर रहे थे, जिस दौर में लोग एमबीबीएस कर रहे थे, उस दौर में मैं अपनी ज़ुबान सराकी में अपने इलाके में कहा करता हूँ, अमर खान, बकर खान, शक्कर खान, टक्कर खान, किक्कर खान, टाली खान, सारे खान, उनके भाई ने अगर कुरान पढ़ दिया तो ये अब मौली हो गया। ऐसा मुनाफिक माशरा में, ठीक है जी, बात समझ तो नहीं आ गई, खामोश इसलिए हो गया, बात समझ आ गई इसलिए खामोश हो गए। एक घर में अच्छी अच्छी खासी जो फैमिली है ना, मतलब राणा साहब, सलीम साहब, कबीर साहब, शमीर साहब, सारे राणा साहब, इनके एक भाई ने दाढ़ी रख ली, ये मौली हो गया, है ना, ऐसे है ना। अच्छा, और इसी तरह किसी भी कौम से है ना कोई, हम यूं कहते हैं भाई हाफिज कुरान ने उत्थे 10 बंदे ना जन्नत च ले जाने, पुत तेनू तो नहीं ले जाना जरा, तू जूगता मारना मौलवी करके, मौलवी होके तू इंज करना, खाम खाई छट मार देना, है ना भाई। बात सुने, कयामत के दिन अल्लाह तू इनके वालिदैन को शान क्यों दे रहा है, इसलिए कि अल्लाह की रजा की खातिर इन्होंने टाइम निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाया। अच्छा बेनियाज अल्लाह खुद हाफिज कुरान को भी रिस्पेक्ट है, जी हाँ, कयामत के दिन रब करीम इरशाद फरमाएगा हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा। अल्लाह आप तमाम को औलादें हाफिज कुरान अता फरमाए, जो औलाद हैं अल्लाह उनको हाफिज कुरान बनाए। हाफिज कुरान जहाँ तेरे कुरान का एंड हुआ, मिनल जिन्नति मन्नास हुई, वो तेरा आखिरी मकाम है।
ये आम हाफिज कुरान है, ये एक आम इंसान है। मैं समझाना चाहता हूँ, कोई नुकता को नतीजा देना चाहता हूँ। आम इंसान था, इस्लाम कबूल किया, अशरफुल मखलूकात बन गया। आम इंसान था, कहीं रहता था, किसी सूरत में रहता था। अब मैं देखता हूँ मेरे साथ कौन बैठा है, मैं देखता हूँ कौन तवज्जो हटाकर दोबारा तवज्जो ले आया है। बहुत सारे तवज्जो हटाकर तवज्जो ले गए थे, वापस आ गए हैं। तवज्जो करें, मैं जुमला देना चाहता हूँ कि कोई था, कहीं था, कोई कारोबार था, कोई नस्ल का था, किसी नस्ल का था, दीदार मुस्तफ़ा किया, सहाबी हो गया। दीदार मुस्तफ़ा किया, सहाबी रसूल हो गया। कोई अम्मा बहन थी, किसी नस्ल से थी, कहीं पर रहती थी, कुछ था, जैसे भी था, रसूलुल्लाह के निकाह मुबारक में ही अजवाज मुतहरात बन गई। मेरे साथ है जी? अच्छा, अब आप अंदाजा लगाइए उसकी तरफ कि जिसके बाप का नाम अली हो, जिसकी मां का नाम सैयदा कायनात हो, जिसकी तरबियत खुद मुस्तफा ने की हो, तो मैं देखता हूं कौन जिक्र हुसैन पे बोलना चाहता है। दोस्तों, जिसके बाप का नाम अली, जिसकी मां का नाम सैयदा कायनात, जिसके नाने का नाम मुहम्मद हो, और जिसने कुरान को सजदे से शुरू करके नेजे पर पढ़ा हो, और जिसका बाप रुकाब से एक तरफ से पांव रखे दूसरी तरफ जाते हुए कुरान पढ़ ले, और जिसकी मां सजदा करे रात छोटी हो जाए, सजदा लंबा हो जाए, उससे हुसैन का जिक्र क्या सुनना चाहते हो और कितना सुनना चाहते हो? और साहब से किसी ने पूछा, साहब आपके दौर में, हम तो बहुत सारे आगे आ गए ना, साहब से पूछा आपके दौर मुबारक में, ये बताइए उस वक्त में, कारी मोहम्मद यूसुफ साहब, साहबा से किसी ने पूछा कि ये बताइए आपके दौर में कुरान ने कहा इजाजा अकल मुनाफिकून, ये मुनाफिक हैं, रईतल मुनाफिकीन, ये मुनाफिक है, कुरान ने इनको जो मुनाफिक कहा है आप कैसे पहचान करते कि ये लोग मुनाफिक हैं? तो साहबा ने जो जवाब दिया वो जवाब आज भी मुअस्सर है। मैं देखता हूँ कौन यह नतीजा लेना चाहता है, तवज्जो कीजिए। साहबा ने पूछा तो आगे से जो जवाब मिला, साहबी ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा जिक्र अली कर लेते जिसका चेहरा खिल उठता मोमिन होता, जिसकी चक्कल बिगड़ जाती मुनाफिक। मैं आपकी थकावट दूर करना चाहता हूं, अगर साउंड वाला मेरा साथ देता है तो आप भी हाथों के साथ थोड़ा सा झंडे बनाकर मेरा साथ देते हैं तो मैं अर्ज कर देता हूं। अली के चाहने वालों के दिल काले बोलो नहीं होते, अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते, जहां नूरे विलायत हो वहां ताले नहीं होते। अली वालों ने ये बतलाया करके तहफ्फुज उस्मान का, बोले वही है जिन्हें समझ आ रही है। अली वालों ने ये बतलाया करके तहफ्फुज उस्मान का, जिस दिल में बुग़्ज़े सहाबा हो वो अली वाले नहीं हो, जिस दिल में बुग़्ज़े सहाबा हो वो अली वाले नहीं होते। दोस्तों, पिछले साल मुहर्रम उल हराम में रहीम यार खान में मैंने जिक्र अहले बैत किया, आज का मौजू तो हमारा मिक्सअप हो गया, तो वहां पर स्कूल ऑफ थॉट मुख्तलिफ था, तो लोगों ने पूछा कि ये जिक्र अहले बैत क्यों करते हैं, और जो जिक्र अहले बैत करे वो तो शिया होते हैं। मैंने कहा है यार अजीब लोग,
हुजूर की आल, मतलब तेरे बेटे का कोई नाम ले तू खुश हो। बैठे हुए थे वक्त नहीं गए, तेरे बेटे का जिक्र हो, तेरी आल का जिक्र हो, तू खुश हो। अगर आले मुस्तफा का जिक्र हो तुझे परेशानी बन जाए। कहते जी जिक्र आले बैत करते क्यों हैं? तवज्जो कर, अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करने जा रहा हूं, तवज्जो से सुन। दोस्त इसलिए करते हैं क्योंकि करीम आका अलैहि सलातु वसलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने कसम उठाई। किस नबी ने कसम उठाई? हुजूर जो फरमाए अल्लाह हुजूर की जुबान को सच साबित कर देता है। जैसे कुरान की बात सच्ची है, ऐसे नबी के फरमान की बात सच्ची है। जैसे कुरान से फर्ज साबित होता है, ऐसे ही नबी के फरमान से फर्ज साबित होता है। अरे जैसे कुरान से हराम साबित होता है, ऐसे नबी के फरमान से मना और हराम साबित होता है। फरमान मुस्तफा है। करीम आका ने फरमाया, हुजूर फरमाने लगे, वल्लजी नफ्सी बियादी ही, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की कसम, जिसकी कब्जा कुदरत में मेरी जान है, क्या ला यदखुलु कल्बा रजुलुन इल ईमान। करीमा का फरमाते हैं कि उस शख्स के कल्ब में ईमान दाखिल ही नहीं होता। कौन? हत्ता यहुबुकुम, हत्ता यहुबुकुम बिल्लाहि व रसूलि, जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर आले बैत से मोहब्बत ना करे। उस शख्स के सीने में दिल दाखिल नहीं होता। तर्जुमा क्या हुआ? हदीस समझ क्या आई? समझाना चाहता हूं, भगा के नहीं ले जाना चाहता, पढ़ता जाऊं तो पढ़ता जाऊं साथ साथ। समझाना यह चाहता हूं, हदीस है मुस्तफा बताना चाह रही है, कुरान एक रकात में खड़े होकर पढ़ने वाला हो, मोहब्बत आले बैत ना हो, हदीस बताती है कि ईमान दाखिल नहीं हुआ। नमाजी हो, गाजी हो, तकरीरें हो, तहरीरें हो, सब कुछ हो, अगर उसके सीने में हुब्बे आले बैत नहीं तो रसूलुल्लाह ने कसम उठाई, पर मैं कह ला याद हूं, ईमान दाखिल ही नहीं होता उसके दिल में। अच्छा, जो हुजूर के पक्के गुलाम हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करें। आखिरी हदीस है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठाकर आखिरी तक। आले बैत से जो पक्की मोहब्बत करे, और मोहब्बत भी कैसी, हदीस सुनिए, हवाई बात नहीं कर रहा, हदीस पढ़ रहा हूं। करीमा कली सलातु सलाम का इरशाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या चीज? हुजूर फरमाते कि असबतुकुम अला सिराती, तुम में से जो शख्स पुल सिरात पर सुकून और इत्मीनान से गुजरना चाहता है, तुम में से जो शख्स पुल सिरात पर सुकून से गुजरना चाहता है, फौर इत्मीनान से गुजरना चाहता है, हुजूर ने फरमाया कि अशद्दुकुम हुब्बन ले अहले बैती वाली असहाबी, वो टूट टूट कर मोहब्बत अहले बैत करे, पुल सिरात से सुकून से गुजरेगा। जो टूट टूट कर हुजूर से मोहब्बत करे, जो हुजूर से टूट टूट कर। अच्छा बात सुने भाई, ईमान कामिल किसका है भाई? ईमान कामिल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता गुना हबैले मिन वालिदिही व वलदी बिन नास अजमईन। मां बाप, रिश्तेदार, अजीजों, अकारिब, हर किसी से बढ़कर ज्यादा जो मोहब्बत मुस्तफा करता है उसी का कामिल ईमान है। कामिल ईमान तो उसका हो गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाना चाह रहे हैं, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते कि अन्ना
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسبتکم علی الصراط، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے پل صراط پر بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ میں گزر کے جاؤں، تو حضور نے فرمایا اشدکم حبا لاہل بیتی ولی اصحابی، اس کو چاہیے. حدیث کے دو جز ہیں، حدیث کے دو جز ہیں، حدیث کے دو جز ہیں. اشدکم کہ وہ محبت کرے ٹوٹ ٹوٹ کر، جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت علی سے کرے ایسے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت صدیق سے کرے. جیسے محبت ٹوٹ ٹوٹ کر حسین سے کرے ایسے عثمان سے کرے. تو اصحاب سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایسا بندہ پل صراط پر پوری کائنات سے زیادہ اطمینان سے گزر رہا. ایسا بندہ محبت سے، ایسا بندہ سکون سے گزر رہا ہوگا، ایسے بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. چند ایک مسائل سماعت فرما لیں جو ضروری ہیں. محرم الحرام میں کالے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من کسر بھی قومی سباد بھی قومی، جو قوم کسی قوم کی کثرت کرتی ہے حضور نے فرمایا فہوا منہم او انہیں چو دیے. ٹھیک. اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت امام حسین نے کیا امیر معاویہ کی بیعت کی تھی نہیں کی تھی؟ میں نے کہا اس کی کی تھی نہیں کی تھی چھوڑ، حضرت امام حسن کی تھی. یہ مسئلہ پہلی دفعہ سنا ہوگا، ایسے ہے نا، خاموش اس لیے ہو گئے. امام حسین نے حضرت امام حسن کی بیعت کی تھی، تو امام حسن نے جب ساروں کی بیعت لے لی، یہیں پر رکیں، یہیں پر رکیں. پہلے خلیفہ کی باری، بہت سارے لوگوں نے بیعت عمر فاروق کی تھی، تو عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی. تو ساروں کی بیعت کن کی ہو گئی؟ ابو بکر صدیق کی. تو امام حسن کی سبھی نے جب بیعت کر لی، تو امام حسن پاک نے امیر معاویہ پاک کی بیعت کر لی، تو ان کی بیعت ادھر ہو گئی. اور اسی طرح ان ایام کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. محبت سے بولیں سبحان اللہ. اہل بیت میں سے جس طرح رسپیکٹ کے ساتھ ذکر حسین کرتے ہیں، اسی طرح ہم حضرت امام حسن کی رسپیکٹ کے ساتھ ہم ذکر حسن بھی کرتے ہیں. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا میرے نال یا رسول اللہ ہوا پڑے. جنوں یا رسول اللہ کہنا آندا ہے، جنوں کہنا نہیں آندا انہوں میں نہیں کردا.
اسے ساتھ مکہ دکھا دے یا اللہ جیڑا بندہ میرے نال مل کے پڑھے رات انہاں نوں حسن عین کریم عین دیدار نصیب فرما دے شہید کیتا لیکن اے پوچھ امام حسین نے آپ نے بیعت کیوں نہیں کیتی آپ کیڑی وجہ تو نفرت کر دے نے حالے دا وہ شہید بھی نہیں ہوئے 72 دن شہید نہیں ہوئے جواب اے وے یزید فاسق سی فاجر سی 3 ٹائپ سی کرپشن کردا سی آؤ تانوں فکر حسین فکر یزید دسدا جاواں فکر حسین این قرآن فکر حسین این نبی پاک دے فرمان دی تشریف فکر حسین پاک خلافت تنائے یزید سیاسی کرپشن مالی کرپشن اور اخلاقی تینوں تنہ دی کرپشن کر رہا ہے کیونکہ عمر فاروق تا دور ہوئے آپ تے دور دے مبارک آپ فرمان کہ دریائے دجلہ دے خدا نہ خواستہ بکری یا کتا پیاسا مر گیا تے عمر پاک دو اتھو پھڑ کے پوچھیا جانا وے یزید لان دی آیا یزید دے سامنے کریم آقا دے پیارے نواز سے تو لے کے
हजरत अली असगर नू, हजरत अली अकबर नू, कासम नू, सारे नू शहीद कीता गया। और सारा एक काफला जदो यजीद कोल पहुंचया, यजीद ने क्या इमाम जैनुल आबिदीन मंगो की मंगदे वे। इमाम जैनुल आबिदीन आप फरमान लगे मैनू खुतबा देन दे। जदो खुतबे दी वारी आई इमाम जैनुल आबिदीन फरमान लगे ऐ यजीद दस है तू मेरा इन्ना बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता बेहतरीन बाग नू क्यों उजाड़िया। ए दस कलमे दे अंदर मेरे नाने दा नाम है या तेरे नाने दा नाम। यजीद दी खामोशी, इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम जैनुल आबिदीन खून हैदर सी कलेमात जुड़ रहे सन और काफिया रदीफ जुड़ दे गए। कुरान हदीस ते दलैल आ दे गए। अल्लाह दी इज्जत दी कसम लोगो 72 तन जड़े शहीद होए उन्ना दी इन्नियां जरबां नहीं होनियां जेड़ी इमाम जैनुल आबिदीन दी एक एक जरब यजीद दे सीने दे लग रही। यजीद ने क्या ओए मुअज़्ज़िना खड़ा हो, खड़ा हो के अजान पढ़ना शुरू कर। जे तू अजान न पढ़ी आज इमाम जैनुल आबिदीन दिया ए तकरीर दिया सट्टा ने यजीद नु पाश पाश कर दे। इमाम जैनुल आबिदीन कलाम फरमा रहे ने। इस दौरान मुअज़्ज़िन खड़ा होया अजान देनी शुरू की थी। पता की चलिया कि हर जगह दे अजान देने वाला हक नहीं होता। कदे कदे अजान देने वाला शरारत की वजह तू भी करता है। याद रखो वलीद भी आया और इमे मरवान आया। हजरत इमाम हुसैन आप फरमान लगे सारे के सामने बैत नहीं करनी, बाद च बाहर निकल के सोचांगा जे करनी हुई तो शरेआम बैत करांगा। आप बाहर निकलन लगे मरवान कहन लगा कि वलीद इत्थे इन्हां नू शहीद कर दे। इमाम हुसैन बाहर चले गए ये तुहाडे साडे काबू नहीं आने। ये गल्लां बातां होंदियां सन। खून हैदर जोश चाया वापस आके तलवार गड्डी फरमाया मरवान ओ तेरी औकात है तनु पता है तेरे सामने तनु नहीं पता हैदर ए करार दा शेर मौजूद तेरी औकात है तू मेरे सामने गल्ला पिया करदा है। आप ही तू तशरीफ ले गए साथी लेके गए रात का मशवरा किया। मशवरा करन तो बाद आप अपनी अम्मा जान दे मजार अकदस सैयदा कैनात ने मजार अकदस से गए। आप जो उत्ते गए अम्मा नाल आम कलाम होए लोगो रब्बे काबा दी कसम जेड़ा जेड़ा बंदा मदीने जांदा उत्ते हुजूर दी बारगाह च चला जांदा जदो वापस आंदा दिल उत्ते छड़ आउंदा। 15 दिन जान वाला बंदा दिल मदीने छड़ आवे ईमान नाल दस उस हसनैन करीमैन जेड़े करीमा कदे कंध्या उते सवार होण हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे लंबे फरमा देण और जिन्ना दी हिफाजत जिब्राइल अमीन करदा होवे उस हसनैन करीमैन दी की शान होनी है की मकाम होना है ते मां नाल की गल्लां कीतियां होणियां। करीम अलैहि सलातु सलाम दे रोज़े दे गए उत्थे जाके हम कलाम होए कहण लगे नाना जान तुहाडे दीन दी खातिर मदीना छड्डण लगा। अजकल दा सजादा नशीन और गद्दी नशीन प्रोफेसर डॉक्टर दीन दी वारी आवे अपनी नौकरी बचांदा अपना मजार बचांदा अपने गले बचांदा अपने मुरीद बचांदा ते नाल हुकूमत नाल नहीं टकरांदा। हुसैन दी सुन्नत देख रब्बे काबा दी कसम पूरी कैनात तू सोना दरबार दरबारे मोहब्बत छोड़ गया। और रोजाए फातिमा छोड़ के आ रहा है। हसनैन करीमैन ने अपने पूरे लश्कर नु तैयार किया तैयार कर गया मदीने की तरफ रवाना होए। जब मदीने आ गए मदीने चु मक्के आ गए मक्का छोड़ आए। मैं गया ना मदीने ते इत्थे एक शेर याद कर दे गया पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला इजाजत होते पढ़ छोड़ा एक मैं ही नहीं उन पर जिसे याद हो वो बंदा पढ़े एक मैं ही नहीं उन पर
قربان زمانہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے رب دو عالم کا محبوب یگانا یہ اگلا شعر میں مدینے یاد آیا اتنے جانے ارے آؤ درے زہرا پر آئے 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 جدہ سینہ ٹھرے ہوئے ہو بولے ارے آؤ درے زہرا پر سر کو جھکائے ہوئے ارے آؤ درے زہرا پر سر کو جھکائے ہوئے کیوں یہ نسل ہے کریموں کی لج پال گھرانا ہے یہ نسل ہے کریموں کی لج پال گھرانا جب میں وہاں پہنچا نا سیدہ کائنات کے روضہ پر جنت البقیع میں تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں پولیس کیوں اکٹھی ہوئی ہے وجہ کیا ہے انہوں نے بتایا یار یہاں پر نا یہ سیدہ کائنات کا مزار ہے اس وجہ سے میں نے کہا یہ وجہ کیا ہے اس نے کہا شیعہ آتے ہیں یہاں پٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں تو یہ ان کو بھگاتے ہیں جو میں نے جواب دیا نا اس کا میں خود ذمہ دار ہوں میں نے کہا یار مزار اقدس پر جو کہتے ہیں نا مدینے میں دین دیکھو دین ایک نمبر ہے ان سے پھر ریسرچ کوسچن ہے مکے میں باب فہد پر بہت بڑا خوبصورت ایک پٹی لگا کر باب فہد چمکنے والی لگائی ہوئی ہے 2 کلومیٹر دور سے نظر آتی ہے کہ یہ باب فہد ہے ایسے ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح باب عمر بن عبدالعزیز پر بھی بہت بڑی پٹی لگی ہوئی ہے نا چلو رسول اللہ نے لگائی تھی تو سنسوب بولا ہے رسول اللہ نے لگائی صحابہ نے نہیں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا ان کے صحابہ نے نہیں کیا کام بدعت ہوا نہیں ہوا میں اپنا سوال دوبارہ دہراتا ہوں یار شاید میری بات کسی کے قلب میں اتر جائے باب فہد پر نام لکھا ہوا ہے باب فہد یہ دروازہ ہے دروازہ حرم شریف میں خانہ کعبہ میں حرم کے اوپر بڑے دروازے پر نام لکھا ہوا ہے باب فہد باب عمر بن عبدالعزیز عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز باب عبدالعزیز لکھا ہوا ہے بادشاہوں کے نام ہے ٹھیک ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہر وہ نیا کام جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو صحابہ نے نہ کیا ہو اس کو ہمارے مخالف دوست کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے ایسے ہے نا تو یہ باب فہد کیا ابو بکر صدیق نے لگایا تھا عمر فاروق نے عثمان غنی نے علی نے امام حسن نے حسین نے کسی نے نہیں لگایا نا یار تم نے لگا دیا بدعت کی نہیں کی کر لی ہے نا چھوٹی سی ایک اتنی سی بدعت کر کے اتنی سی پھٹی سیدہ کائنات کے مزار پر بھی لگا دیتے نا یار بات سمجھ آ رہی میرے جیسے کملے بھولے لوگ جاتے ہیں سید کائنات کا درد ڈھونڈتے ہیں ملتا نہیں ہے مگر جو حال تم نے کر رکھا ہے یہاں پر یہ تو شیعہ پیٹتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں تمہاری نسلوں پہ پیٹوں ظالموں اتنا ظلم بھی ہوتا ہے ایک اتنی سی پھٹی لگا دی جائے سیدہ کائنات کے نام سے حضرت عثمان غنی کے نام سے اور یار اماں حلیمہ کے نام سے چھوٹی سی لگ جائے یہ محبت والے جو جاتے ہیں کم از کم یہ وہاں جا کر کے دیکھ کر یار فاتح تو پڑھا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام تو کر رہے ہیں نا
तो जब ये मैंने शेर पढ़ा ना तब मुझे ये याद आया और वहां पर ये सारी चीज मुझे याद आई। आप आखिरी बात करता हूँ, उसके बाद हम नमाज की तरफ रवाना होते हैं। जिक्र अली पर अपनी बात को वाइंड अप करना चाहता हूँ। याद रखिए, दो मकाम बयान करना चाहता हूँ। एक मकाम आपको बिल्कुल याद है, एक कच्चा पक्का याद है, दोनों याद दिलाना चाहता हूँ। मकाम गदीर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दस्ते अली पकड़ा, यूं खड़ा किया। हुजूर ने फरमाया मन कुन तो मौला फारियुन मौला। जब हुजूर ने ये फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जब रसूलुल्लाह ने हिजरत की, मक्का से मदीना रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, वहाँ पर एक एक को भाई भाई बना रहे थे, तुम दोनों भाई, तुम दोनों भाई, तुम दोनों भाई, तुम दोनों भाई, सब के भाई भाई आपस में बन गए। जब अली की बारी आई, अली अलहदा बैठे, खामोश बैठे। सीरत की अक्सर किताबों में ये वाक्या मौजूद है। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हुजूर ने पूछा अली परेशान क्यों हो। कहा या रसूलुल्लाह कभी मुझे पीछे नहीं छोड़ा, आज पीछे छोड़ दिया, नाराज हैं हमसे। हुजूर ने फरमाया अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। दर है, दर है, दर हाथ उठा के है, दर है, दर पैर वाले भी है, दर है, दर है, दर है, दर नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत 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 यजीदियत। आखिर में एक जुमले में पैगाम भी ले लें, हुसैनियत। एक हदीस समाप्त करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान की तफसीर करते हुए, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। जनती जन्नत में चले जाएंगे, हर कोई जन्नत में मौजूद होगा, सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे होंगे। ये सहासिता में हदीस मौजूद है। और उस वक्त निदा लगाने वाला आकर निदा लगेगा और कहेगा कि लोगों इकट्ठे हो जाओ, रब अपना वादा पूरा करना चाहता है। सारे कहेंगे अल्लाह कब्र भी कुशादा हो गई, अल्लाह पुल सिरात से भी गुजर गए, जन्नत में मौजें लगी हैं, अब कौन सा वादा पूरा करना है। अल्लाह फरमाएगा ए जन्नती हो, अल्लाह करे ये सारे दाखिल हों। बोले अल्लाह उस वक्त ये सारे दाखिल हों। रब फरमाएगा कि फरिश्तों इन जनतियों को इकट्ठा करके सामने खड़ा कर दो और रुखे खुदा के सामने से पर्दों को हटा दो, ये सारे जनती मुझ खुदा का दीदार कर, ये सारे दीदार कर ले। फरमाया या रसूलल्लाह वो कौन से लोग होंगे। फरमाया क्या अल एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइलम तकुन तराहु फइन्नहु यराका। फरमाया जिंदगी के अंदर ये लोग जब इबादत करेंगे, जब लेन देन करेंगे, जब मुआमलात करेंगे, जब ये जिंदगी गुजारेंगे तो ऐसे गुजारेंगे जैसे सर की आंखों से खुद खुदा को देख रहे हैं। फिर हुजूर ने फरमाया हर बंदा रब को तो नहीं दे सकता ना, हर बंदे का ये मकाम नहीं। फरमाया फइलम तकुन तराहु, फरमाया ऐसा ना कर सको, फइन्नहु यराका, फिर जिंदगी ऐसे गुजारो कि जैसे तुम्हें खुदा देख रहा है। भाई बात सुने, जिक्र हुसैन इन 10 दिनों में जितने लोग करते हैं ना, खास तौर पे काले लिबास वाले, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिसको हम बड़े लोग कहते हैं, जो हमारे पाकिस्तान को चला रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग वही उसमें दाखिल हैं। मेरे साथ हैं, ऐसे हैं ना, 10 दिन जिक्र हुसैन करते हैं, 10 दिन हुसैनियत पर इनको दुख तकलीफ होती है, पीटते हैं, पता नहीं यार क्या होता है, फिर पूरा साल यजीद बनकर पूरी घूमने वाली कुर्सी पर मुसलमानों का चमड़ा उल्टा जो है ना उतारते रहते हैं, बैठे हुए ऐसे हैं। और हम भी 2 दिन जिक्र हुसैन करते हैं, 3 घंटों के लिए हम भी हुसैनी हैं। बाप के साथ मेरा किरदार यजीदी, भाई के साथ किरदार यजीदी, हमसाय के साथ किरदार यजीदी, लेन देन वाले के साथ किरदार यजीदी। मैंने दूध की दुकान बनाई, कौन सी है जनाब, ये हमारी दुकान का नाम है ये गंज बक्स, हमारी दुकान का नाम है कलंदर शाह, हमारी दुकान का नाम है दाता साहब। और सही दूध नहीं मिल रहा। हुसैनी किरदार अपना, हुसैनियत जिंदाबाद तब होगी जब हुसैनी किरदार होगा, क्योंकि उनसे मोहब्बत का तकाजा यह है कि हुसैनी किरदार अदा किया जाए। इमाम हुसैन की मोहब्बत का किरदार यह है कि आप सजदे में जान दी तो सजदे में
और नेजे पर कुरान सुनाया, कुरान भी पढ़ा करें और सजदे भी किया करें। फकीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये हम दुआ कर चले। अमा अलैना इल्लल्लाह।